हेलो फ्रेंड्स, सभी का नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और ये आज हम पहुंचे हैं इलाहाबाद, अपने एक मित्र हैं नादिर जी, बहुत तगड़े विंटेज कलेक्टर है ये। नादिर जी से बात, इनसे भी हमारी टेलीफोन पे ही हो रही थी जी। और आज मुलाकात बड़े दिनों के बाद हुई है, कम से कम बातचीत है हमारी। घूमते घुमाते हम इनके पास साथ पहुँचे हैं इनका विंटेज कलेक्शन देखने के लिए जी। तो नादिर जी, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये साइकिल है सर, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन इंग्लैंड जी, हम्बर। हम्बर ये लाइट वगैरह हुआ करती थी। अच्छा, इसमें शायद डायनेमो इंटीग्रेटेड होता है टायर में ना जी। हाँ, ये आप देख तो सकते वो हैं मिसिंग है भी इसमें। हाँ, ये डायनेमो इसमें इंटीग्रेटेड रहता है जी। अभी आप सोच सकते हैं कि कम से कम भी 50 साल से भी ज़्यादा पुराना साइकिल है और इसमें टेक्नोलॉजी एडवांस आप देख सकते हैं। आगे का ब्रेक आप देखिए, जो बुलेट में आता है ना, जैसे साइकिल हब इसी वजह से बोलते हैं, इसमें भी कोई ब्रेक का या शायद डायनेमो का सिस्टम होता है। और अभी आपको दिखाते हैं एक शानदार चीज़। और आगे ये हमारी हेरल्ड है, स्टैंडर्ड हेरल्ड मार्क 267, स्टैंडर्ड हेरल्ड मार्क 2, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल एकदम। ये कौन सा मॉडल है नादिर जी? ये 67 है, मार्क 2। 67 जी, ये कन्वर्टेबल भी बनती है। अच्छा, ये कन्वर्टेबल है, देखो जी। इसका हार्ड टॉप भी होता है, चाहे तो हार्ड टॉप लगा लेने के, हम लोगों ने निकाला हुआ है इसका हार्ड टॉप। ओके, बट ये ब्यूटी है इस तरह से, देखो। हाँ, विंटेज लुक एकदम जो है। और ये पेट्रोल है डीजल? पेट्रोल है, पेट्रोल। ये देखिए आप, फ्लोर गियर है इसमें, मीटर वगैरह सब एकदम यंकी। ये है जी इनका हेराल्ड, इसका बोनट जो है रिवर्स, बोनट ऐसे खुलेगा इसका। बहुत बढ़िया क्लासिक चीज़ है, बहुत ही अल्टीमेट, नादिर जी ने बहुत संभाल के रखी हुई है। आप इनका देख लेते हैं, यामा 1986, मेड इन जापान। तो इसमें एम्बोस्ड होगा, मेड इन जापान। हाँ, अभी इसमें आपको दिखाते हैं हम, दिस इज ओरिजिनल मेड इन जापान। ये आप देख सकते हैं एम्बॉसिंग, मेड इन जापान 1986। ठीक, चलाते हैं आप इसको। हाँ, रनिंग में बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और कलेक्शन देखते हैं नादिर जी का। एक एम्बेसडर भी है हमारे पास। अच्छा, इलाहाबाद वैसे ही हिस्टोरिकल है, बहुत पैलेस, और यहाँ पे लोगों का विंटेज कलेक्शन भी बहुत बढ़िया है, रास्ते में भी देखते आ रहे थे। अच्छा, यूपी 70, ये भी 67 है, मार्क 2 है ये, मार्क 2 बेस्ट। ये आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल ओरिजिनल, ग्रिल, लाइटें सब। और अभी ये वैलिड है रजिस्ट्रेशन? कैसे वैलिड है, अपडेटेड है। ठीक। ये देखिए आप, ये है इनका वीवीआईपी कार, वीवीआईपी, सीरियसली वीवीआईपी। और सेफ्टी में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं आज भी, इसमें अप्रूव्ड एलपीजी वो लगाया, किट लगा हुआ। अच्छा, पेट्रोल है मतलब जी, पेट्रोल है बट एलपीजी किट लगाई इसमें। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार, सरकार में हाथ है इनका, आप देखेंगे इनकी गाड़ियों के पीछे सरकार लिखा रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार। ये और यहाँ पे देखिए, और अद्भुत नज़ारा आपको दिखेगा। इनके बारे में बताओ नादिर जी हमें कुछ। आप ये सर मेरी RX 100 है, 1989। ये RX के दीवाने हैं नादिर जी, अब पूरा जापानीज बैच है जो इन्होंने कब्जा रखा है। इसमें ओरिजिनल राजदूत का मीटर है, ये है 89 मॉडल, 89 मॉडल है। ठीक, बहुत दिन से चलाई नहीं, इस वजह से ऐसे धूल में खड़ी है। देखो, इतनी गाड़ियां होंगी तो चलाने का नहीं मिलता है, बात होती है शौक की। ये है बजाज 150, 1977 मॉडल, बजाज 150 जी, 77 मॉडल। नंबर भी देखिए, बड़ा विंटेज है, UPQ 616। ये बजाज 150, बजाज 150। और अगर हम जैसे नॉर्मल बजाज की अगर हम बात करें तो मेन डिफरेंस क्या रहता था? गियर शिफ्टिंग थी, और ये मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है कि वेस्पा 150 की कॉपी बनाई थी बजाज ने। बजाज 150 मतलब 150 पहले आया, फिर 150 इटालियन था, ठीक का था। उसमें भी सेम हैंडल आया है, आपने अगर देखा होगा वाला। हाँ, सेम हैंडल एक सीरीज में आया, 70, ठीक है, ठीक है। और कब एक बीच में आया, कब बजाज कब आया था वो भी है मेरे पास, लेकिन वहाँ खड़ा हुआ है। तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशन हो रहा था? स्पेसिफिकेशन ये था कि इग्निशन वाला जो स्विच था जो, जैसे ये है ना, यहाँ पे होता था। और सीसी में कोई डिफरेंस? 100 cc, वो 100 cc है, था। बाकी सब 150 है। इसीलिए कब नाम था उसका। ठीक, शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। ये है एक्सपोर्ट मॉडल बजाज सुपर 81, स्क्वायर हैंडल, देख रहे हैं आप लोग, स्क्वायर हैंडल मॉडल है ये।
बजाज सुपर, ये कौन सा मॉडल है? ये 81 है। तो ये एक्सपोर्ट ही होता रहा ज्यादा, इसलिए एक्सपोर्ट मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक ठीक, इसका भी नंबर मेरा 3 डिजिट का है, 663। नंबर के भी ये दीवाने हैं। UHE663 UHE जी। ठीक, और ये अलीगढ़ रजिस्ट्रेशन है, ये UMI का है जी। ये हमारे घर का पहला स्कूटर है, बजाज चेतक। बजाज चेतक ये हमारा बजाज, इसने तो धूम मचाई है जी। अब बुकिंग पे मिलता था जी, उस टाइम बुकिंग मिलता और NRIs को मिल जाया करता था। अच्छा, मेरे ताऊ जी उस वक्त बाहर रहा करते थे, वो आए थे तो उन्होंने कैश लिया था। ठीक बात, 12,000 बहुत बड़ी बात मानी जाती थी बजाज चेतक, जो ले ले एकदम से जी। कि मैंने लेना है, कोई प्लान करे और उसको मिल जाए जी। तो लोग इंक्वायरी करते थे भी मिल कैसे गया इतनी जल्दी। स्कूटी का ब्रांड क्या? सनी जिप। तेंदुलकर जी कभी ऐड करते थे इसकी, तेंदुलकर करते थे इसकी ऐड। ये भी रनिंग कंडीशन में ही है, स्टार्ट है, वैसे थोड़ी सी लापरवाही में बस हो गई है। मेरे ख्याल से 60 cc था ये शायद, है ना। हाँ, फिर एक बाद में एक और भी आया कुछ पता नहीं पैप करके, थोड़ा सा एडवांस मॉडल, इसको कोई भी चला लेता था। और एक और, ये एक बहुत ही अद्भुत नायाब चीज, ये हीरो मैजेस्टिक। हीरो मैजेस्टिक बिल्कुल एकदम 1981 है, प्रिंस्टाइन कंडीशन में है ये ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत इसमें कुछ आपको मिल सकता है, अदरवाइज तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इग्निशन यहाँ पे है, यहाँ पे इसका पेट्रोल टैप होता था, ये टैंक यहाँ पे है, ये पेट्रोल टैंक है, और ये छोटा सा एक स्टोरेज बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। नंबर इसका 1738 1740 URS। अगर आप इस टाइम पे 1740 मॉडल बोले ना, कोई बोले नहीं, हो सकता है। हीरो मैजेस्टिक, हीरो मैजेस्टिक बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। नादिर जी, बाकी मेरे पास PL170 है, PL170 1981 रॉयल एनफील्ड है, मोटरसाइकिल है, वो सब वो अलग गोदाम में है। हाँ। वो कभी फिर जिंदगी में मौका मिलेगा आपको दिखाएंगे, हालांकि वो है पास में। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया लगा नादिर जी आपका कलेक्शन देख के, मजा आया। और कभी आप लगाएं चक्कर? नहीं नहीं बिल्कुल जरूर, डेफिनेटली जरूर, आप प्लान करिएगा जरूर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।